हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फार्म मैनेजमेंट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में कि फार्म को मैनेज करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट्स एंड इसके टाइप्स, फैक्टर प्रोडक्ट फैक्टर फैक्टर एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप के बारे में एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल और प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कुछ बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है कि फार्म मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं या फिर फार्म मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। फार्म मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पर हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं और लाइव स्टॉक जैसे पोल्ट्री या एनिमल्स उनको रेयर कर सकते हैं, तो उस प्लेस को हम बोलते हैं फार्म। और किसान को फार्म का मैनेजमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, कौन से एंटरप्राइज को उसको लगाना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके, क्रॉप्स में वो कौन सी क्रॉप को कौन सीजन वाइज चूज करें जिससे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो सके। तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो हैं फार्म मैनेजमेंट के, वो फार्मर को हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में और फार्म के बिजनेस का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करने में फार्मर की हेल्प करते हैं। कुछ फार्मर के सामने चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जैसे कि किसी नई टेक्निक को अडॉप्ट करना जिससे कि फार्मर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो उन चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज से निपटने के लिए या उनको समझने के लिए फार्मर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को समझना होता है। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की सहायता से फार्मर एक बेटर डिसीजन ले सकता है अपने फार्म को मैनेज करने का। तो इसके मेनली तीन मुख्य कारण हुए कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को फार्म मैनेजमेंट में अप्लाई क्यों किया जाता है। ताकि न्यू टेक्नोलॉजीज इंफॉर्मेशन इज मेकिंग द फार्म प्रॉब्लम इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग एंड प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज फॉर मैक्सी मिक्सिंग प्रॉफिट्स, मैनेजमेंट ऑफ द फार्म बिजनेस एंड फार्मर को बेस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है कि कौन कौन से इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि फार्म मैनेजमेंट में कंसिडर किए जाते हैं। तो फार्म मैनेजमेंट में जनरली 7 इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को कंसिडर किया जाता है, जिसमें कि फर्स्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसे कि लॉ ऑफ डायमेंशन रिटर्न्स के नाम से भी जानते हैं। कोई भी फार्मर जब फार्म पर अपनी फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता है तो उसको तीन प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट, हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि कितना प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, और व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इन तीन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए भी तीन अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो फर्स्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि फार्मर की हाउ मच टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये गाइड करता है कि ऑप्टिमम आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने ऑप्टिमम इनपुट की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही ये फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप को कौन से इकोनॉमिक प्रिंसिपल के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। तो आंसर होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न्स। सेकंड प्रिंसिपल है कॉस्ट प्रिंसिपल, जो कि एक्सप्लेन करता है कि किस टाइप से फार्मर जो है वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता है। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, जो कि फार्मर की हाउ टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इसके साथ ही ये फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि हाउ टू प्रोड्यूस के लिए कौन सा जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है उसको यूज़ किया जाता है, तो प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट इकोनॉमिक या फोर्थ इकोनॉमिक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन, जो कि व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इसके साथ ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है फिफ्थ, वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल सिक्स्थ है टाइम कंपैरिजन प्रिंसिपल, जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। और लास्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन क्या है और उसके क्या टाइप्स हैं। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली एक मैथमेटिकल और टेक्निकल रिलेशनशिप है जो बताता है कि कितने डिफरेंट लेवल ऑफ इनपुट्स का यूज़ करके कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्राप्त किया जा सकता है। एक बार फिर से कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या बोलता है, एक टेक्निकल और मैथमेटिकल रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच में, जो कि ये बताता है कि डिफरेंट टाइप के या फिर डिफरेंट मात्रा में इनपुट्स को लेकर
आउटपुट की कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि प्रोडक्शन फंक्शन के क्या टाइप्स हैं। तो इसमें आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखना है कि प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिकली चार टाइप्स होते हैं। वैसे तो प्रोडक्शन फंक्शन को अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है, पर मेनली जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो इन चार के बारे में ही स्टडी करते हैं। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, क्वाड्रेटिक प्रोडक्शन फंक्शन, स्क्वायर रूट प्रोडक्शन फंक्शन एंड क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन। इसके अलावा अलग अलग बेसिस पे प्रोडक्शन फंक्शन फॉर शॉर्ट टाइम, प्रोडक्शन फंक्शन फॉर लॉन्ग टाइम, इन सबको भी स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन कौन से प्रोडक्शन डिसीजंस होते हैं या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो फार्मर को फेस करनी पड़ती हैं, और उनको कौन कौन से इकोनॉमिक प्रिंसिपल की सहायता से समझाया जा सकता है, और वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल उसके अलावा क्या एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है हाउ मच टू प्रोड्यूस, जिसे कि जो कि फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है, और ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, तो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न्स और इंक्रीजिंग कॉस्ट के प्रिंसिपल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस, जिसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि इसे प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर इसे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, और इसके साथ ही ये प्रिंसिपल फैक्टर रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया जाता है, और प्रोडक्ट रिलेशनशिप को भी ये प्रिंसिपल जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि हाउ मच टू प्रोड्यूस में कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा इकोनॉमिक प्रिंसिपल लगता है, या फैक्टर रिलेशनशिप जो है वो कौन से प्रिंसिपल के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। अब फैक्टर क्या होगा, कोई भी इनपुट हो सकता है, और प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट, यानी कि हम इनपुट, प्रोडक्ट मतलब आउटपुट, यानी कि हम इस रिलेशनशिप को बोल सकते हैं इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। तो इसे जैसा कि हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न्स के द्वारा डिस्कस किया जा सकता है। लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न्स क्या बोलता है कि जब हम किसी एक इनपुट की क्वांटिटी को यूज़ करते हैं, पर वो इनपुट हम तब लेंगे जब बाकी जो वेरिएबल्स होंगे वो कॉन्स्टेंट होंगे, यानी कि सिर्फ एक ही वेरिएबल इनपुट होगा। तो जब हम एक वेरिएबल इनपुट की क्वांटिटी में इंक्रीमेंट करते हैं तो प्रोडक्शन जो है वो पहले बढ़ता है, फिर कॉन्स्टेंट होता है, और फिर अगर हम फिर भी उस इनपुट की क्वांटिटी में इंक्रीमेंट करते रहते हैं तो आफ्टर अ टाइम जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होने लग जाता है। इस लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न का जो ग्राफ बनता है उसमें तीन स्टेजेस आती हैं प्रोडक्शन की, और उन तीन स्टेजेस के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, और जनरली जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो वहीं से होते हैं। तो जो लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न है वो डिस्क्राइब करता है आउटपुट और वेरिएबल इनपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एक वेरिएबल इनपुट की क्वांटिटी हम चेंज करेंगे तो आउटपुट की क्वांटिटी में क्या चेंज होगा ये बताता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इफ़ इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ वन इनपुट आर एडेड टू अ प्रोडक्शन प्रोसेस व्हाइल ऑल अदर इनपुट्स आर हेल्ड कॉन्स्टेंट, सिर्फ एक ही इनपुट जो है वो वेरिएबल रखेंगे, बाकी सारे इनपुट्स को हम कॉन्स्टेंट रखेंगे, तो जो आउटपुट की जो अमाउंट होगी वो किस टाइप से बढ़ती है और डिक्रीज होती है इसके बारे में बताता है लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न्स, और इसे ही बोलते हैं इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। इनपुट की मात्रा में कम या अधिक, इनपुट की मात्रा कम या ज़्यादा करने पर आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट आते हैं इसकी तीनों स्टेजेस के बारे में हम बहुत ही ब्रीफ में स्टडी करेंगे। तो लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न में तीन स्टेजेस आती हैं प्रोडक्शन की, जिसे इस ग्राफ के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है। तो इसमें जनरली आपको तीन बातें याद रखनी है कि इसमें स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड आती है, जिसे हम स्टेज फर्स्ट को इरेशनल जोन बोलते हैं, स्टेज सेकंड को रैशनल जोन बोलते हैं, और स्टेज थर्ड को फिर से इरेशनल जोन के नाम से जाना जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम किसी अनोदर वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे, पर आपको अभी यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो जोन फर्स्ट होगा या स्टेज फर्स्ट होगी उसमें प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो एक से ज़्यादा होगी। जब MPP और APP, APP का मतलब एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और MPP का मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जब APP और MPP की कंसंट्रेशन सेम होगी तब जो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस है उसकी वैल्यू एक होगी। यानी कि क्वेश्चन बनता है कि APP और MPP जब इक्वल होंगे, APP बराबर MPP, देन प्राइस इलास्टिसिटी कितनी होगी, तो ये एक के इक्वल होगी।
जब हम सेकंड जोन या रेशनल जोन की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो है या प्राइस इलास्टिसिटी जो है उसकी वैल्यू एक से कम होगी, और जब एमपीपी जीरो होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है उसकी वैल्यू जीरो होती है, और जब एमपीपी नेगेटिव होने लगता है तो ईपी की वैल्यू जो है वो जीरो से कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस ग्राफ में, जिसका आपको मेजरली ध्यान रखना है, जहाँ से क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। नेक्स्ट है, इसके तीनों स्टेजेस के बारे में ब्रीफ में बताया गया है कि स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड में क्या होता है। तो स्टेज फर्स्ट में क्या होगा, जैसे कि आपको ग्राफ में दिख रहा है, एमपीपी जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एपीपी से स्टेज फर्स्ट में। स्टेज सेकंड में वो जीरो तक होता हुआ आ जाएगा एमपीपी, एंड थर्ड स्टेज में जो एमपीपी है वो नेगेटिव स्टेज में चला जाएगा। इस लो को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि किसी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए या उसका बेटर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हम फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी को यूज़ करते हैं। जब हम सबसे पहली बार फर्टिलाइज़र को फील्ड में अप्लाई करते हैं तो जो क्रॉप की ग्रोथ है, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता है। फिर थोड़ा और डालेंगे फर्टिलाइज़र्स को, थोड़ी ग्रोथ और इंक्रीज़ होगी। पर जब हम, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो प्रोडक्शन है वो फिक्स हो जाएगा या जो ग्रोथ है वो फिक्स हो जाएगी, कि उसके आगे ग्रोथ जो है उसमें और इंक्रीमेंट नहीं होगा। उस लेवल के बाद में भी अगर फर्टिलाइज़र की और क्वांटिटीज़ को ऐड किया जाता है तो जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है। नेक्स्ट रिलेशनशिप आता है फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप। फैक्टर का मतलब इनपुट, तो हम इस रिलेशनशिप को बोल सकते हैं इनपुट इनपुट रिलेशनशिप। फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप क्या बताता है कि एक सेम लेवल ऑफ आउटपुट, मान लो कि 50 क्विंटल आउटपुट हम लेके चल रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, तो 50 क्विंटल आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ हमने 3 लेबर्स प्लस 1 मशीनरी को यूज़ किया, तो हम इन दोनों इनपुट्स को कैसे आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ताकि सेम लेवल ऑफ आउटपुट आए लेकिन जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है या जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। सपोज़ हम 3 लेबर प्लस 1 मशीनरी ले रहे थे तो हमारे 50 रुपये आ रहे थे, जस्ट एन एग्जांपल। लेकिन जब हम 2 लेबर और 2 मशीनरीज कर देंगे, यानी कि क्वांटिटी तो सेम है, पहले भी 4 थी अब भी 4 है, लेकिन हम एक इनपुट को दूसरे इनपुट से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अब हम 2 लेबर और 2 मशीनरीज का यूज़ कर रहे हैं, तो सपोज जो प्रोडक्शन है वो 50 क्विंटल ही मिल रहा है लेकिन जो कॉस्ट है वो 45 रुपीज़ आ रही है। तो पहले ये कॉस्ट 50 रुपीज़ आ रही थी, अब ये 45 रुपीज़ आ रही है। तो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए, सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हम डिफरेंट इनपुट्स को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये हमें बताता है फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप या फिर इनपुट इनपुट रिलेशनशिप। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो यही है कि जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन है उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सके और कैसे फार्मर अपने लेवल पे कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सके, ताकि अल्टीमेटली कॉस्ट मिनिमम होगी तो प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगा। अब इससे रिलेटेड होता है आइसोक्वांट कर्व। तो क्वेश्चन बनता है कि आइसोक्वांट कर्व जो है वो किससे रिलेटेड है, तो फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप से। आइसोक्वांट कर्व का क्या मतलब है, आइसो मतलब सिमिलर यानी कि समान, क्वांट मतलब क्वांटिटी यानी कि सेम क्वांटिटी। तो आउटपुट की सेम क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को किस टाइप से यूज़ किया जाता है, इसे आइसोक्वांट कर्व जो है वो शो करता है। ईच पॉइंट ऑफ एन आइसोक्वांट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम आउटपुट देन कैन बी अटेंड विद दीज इनपुट कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट रिलेशनशिप आता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप या फिर आउटपुट आउटपुट रिलेशनशिप। फार्मर के पास अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई से भी एंटरप्राइज को, कोई से भी क्रॉप को ज़्यादा इनपुट दे सकता है, कम इनपुट, वो अपने इच्छा के अकॉर्डिंग या वेलनेस के अकॉर्डिंग वो उन एंटरप्राइजेस को यूज़ कर सकता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और फार्मर को मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना होता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कौन से जो एंटरप्राइजेज हैं उनको दें, किस टाइप से हम किस कॉम्बिनेशन में उन रिसोर्सेज को लगाएं ताकि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो हो सके, या फिर हम बोल सकते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या ऐसा प्रोड्यूस किया जाना चाहिए उन लिमिटेड रिसोर्सेज की प्रेजेंस में ताकि फार्मर को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। इसके लिए हम बात करते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न्स, जिसमें कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो उनमें से कौन से रिसोर्सेज को कहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में बताता है। बट ये जो सिचुएशन है वो तभी लगेगी जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, अनलिमिटेड रिसोर्सेज के केस में तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल के बारे में. अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को प्राप्त करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? किसी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ने की जो कॉस्ट है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे. पहले हम जान लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है. कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो फार्मर जो है वो किसी एक एंटरप्राइज या एक या दो एंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट कर सकता है. तो उनमें से वो किसी एक एंटरप्राइज पे अगर इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहा है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. तो दूसरे एंटरप्राइज को छोड़ने की जो कॉस्ट उसके आएगी उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल. वैल्यू ऑफ वन एंटरप्राइज सेक्रीफाइड इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अनोदर एंटरप्राइज. सपोज हम दो क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, वीट एंड ग्राम. दोनों में हमें इरिगेशन देना है पर हमारे पास सिर्फ एक इरिगेशन, मतलब एक टाइम में हम सिर्फ एक ही क्रॉप को इरिगेशन दे सकते हैं, बाकी हमें 5 या 7 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा. तो फार्मर को लगता है कि वीट की सीआरआई स्टेज आ रखी है, अगर मैं वीट पे अभी इरिगेशन करूँगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा. तो उस कंडीशन में जो चने की क्रॉप है उसके साथ सेक्रीफाइस करके वीट की क्रॉप में इरिगेशन देने की जो अपॉर्चुनिटी है, कि गेहूँ जो चने वाली अपॉर्चुनिटी है उसको छोड़ दिया गया, तो उसकी जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और दूसरी क्रॉप से या दूसरे एंटरप्राइज से मैक्सिमम प्रॉफिट पाने के लिए उसकी तरफ मूव कर दिया गया. या ऐसा तो नहीं है कि अब हम इरिगेशन देंगे ही नहीं, पर लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण हम पहले किसको बेस्ट मान रहे हैं? पहले हम मान रहे हैं कि गेहूं को देना ज़्यादा फायदेमंद होगा, तो उस रिसोर्सेज को चूज़ करना. ये सारी जो प्रोसेस है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बताता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल. तो द वैल्यू ऑफ वन एंटरप्राइज इज सेक्रीफाइड इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अनोदर एंटरप्राइज. This principle thus refers to the advantage which might have been obtained from any factor if it had not been used in producing that commodity.